بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم. ترجمة. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کسی ہے جو اونچی سطح پر ہو، زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اس سے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان اونلی آن آن ٹی وی. میں ہوں آپ کی میزبان جگن کاظم، اور آپ نے بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک اور ترجمہ سنا قاری نعمان سیفی سے. ویورز، آج ہم بات کریں گے چیریٹی کی. کل کے پروگرام میں جب ہم نے پروگرام کنکلوڈ کیا تو اچھی سی بات یہی کی کہ دوسروں کی راہ میں خرچ کریں. تو
मुझे ख्याल आया कि ये इन पासिंग करने वाली बात नहीं है, इस पे हमें प्रॉपर गुफ्तगू करनी चाहिए। देखिए, आजकल के ज़माने में जहाँ पे हर इंसान मुश्किल से गुज़र रहा है, किसी ना किसी फाइनेंशियल तंगदस्ती से गुज़र रहा है, अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप अगले की हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके, और अगर उनको कुछ फाइनेंशियली नहीं दे सकते तो उनको जॉब दिलवा दें, किसी भी तरीके से किसी के काम आ सकते हैं, तो फिर क्यों काम ना आए? ये अपने आप से पूछने वाला एक सवाल है। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है हमारे इर्द गिर्द कोई बंदा बात कर रहा होता है और कोई बात शेयर कर रहा होता है कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ फला चीज़ में। अब सुनने वाला वो बंदा नहीं जानता जो बात कर रहा है, लेकिन जो सुनने वाला है वो उस बंदे के काम आ सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है। एक वक्त था कि कहे बगैर लोग काम आते थे, अब वो वक्त आ गया है कि लोग मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं लेकिन कोई मदद का हाथ नहीं आगे बढ़ाता। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है आज की सोसाइटी की। वो जो कहते हैं ना, अपने काम से काम रखो, भाई अगर हर इंसान सिर्फ अपने काम से काम रखेगा तो जो हमारे मुस्तहिक भाई बहन हैं जो अफोर्ड नहीं करते, हमेशा एक ही बात कही जाती है कि गरीब मुस्तहिक की आजमाइश ये है कि वो बर्दाश्त करे। चलो भाई उसने बर्दाश्त कर लिया तो जो अमीर है उसकी क्या आजमाइश है? उसकी कोई आजमाइश नहीं है। उसकी आजमाइश ये है कि जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है, अपना हिस्सा जो भी वो रखता है रखे, उसमें से फिर एक बड़ा पोर्शन उन लोगों तक पहुंचाए। देखिए, अल्लाह ताला ने किसी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे नहीं डालने, डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं, ऑफकोर्स वो तो कुछ भी कर सकता है हमारा रब, लेकिन वसीले बनाए जाते हैं ना। अब आपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए वसीला बनना है, या आपने लोगों के दुख दर्द और मसाइल सुनने के बावजूद पत्थर का हो जाना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे अपने स्कॉलर्स के साथ। सामने बैठी है मेरी बहुत ही प्यारी बहन सलमा खान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सलमा के साथ उनकी टीम भी आई है। मेरे कमली वाले की, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के दादा है, दो जहां के दादा है, सारा जग सवाली है। मेरे कमली वाले की हर तरफ मदीने में, जहाँ के दादा है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब बच्चियों। अलमा आप तो तारीफ़ के भी बियॉन्ड हैं, बच्चियों ने भी माशाल्लाह बहुत आपका खूबसूरत साथ दिया माशाल्लाह। तो व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है शरायत दीन, और आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह की राह में ख़र्च करना। सो जब हम अल्लाह की राह में ख़र्च करने की बात करते हैं व्यूअर्स, तो बहुत सी चीज़ें और बहुत से पहलू जहन में आते हैं। और हमें ज्वाइन किया है हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रनाउन आलमी दीन ने, और वो हमें गाइड करेंगे। तो हमारे साथ है अलामा हसन रज़ा बाकर इंस्टीट्यूट मिनहाजुल हुसैन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आपके साथ हमें ज्वाइन किया है अलामा पीर शफात रसूल कादरी ने, मारूफ आलम दीन, चेयरमैन मरकज़ बिलाल लाहौर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं अल्लाह की राह में ख़र्च करने की, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें अपने जहन में रखना चाहिए? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से पहले एक बुनियादी फ़लसफे को समझना ज़रूरी है, वो ये कि अल्लाह ताला ने हमें ख़र्च करने का हुक्म दिया, तरगीब दी, नसीहत की, लेकिन साथ इरशाद फरमा दिया कि जो मैं तुम्हें देता हूँ उसमें से तुम दो। और अल्लाह के रास्ते पर ख़र्च करने का मतलब कि अल्लाह के वो मखलूक, वो इंसान जो ज़रूरतमंद हैं, जो हाजतमंद हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो कपड़ों से महरूम हैं, इलाज की सहूलतों से महरूम हैं, जिनके बच्चे तालीम से आरास्ता नहीं हो रहे, जो बेछत हैं, जो रातों को दर्द और तकलीफ़ में गुजारते हैं बीमारियों की वजह से, फरमाया कि उनको जब तुम दोगे तो यूँ समझ लेना कि तुमने खुदा को दिया। अब इस मकाम पर एक हदीस में आपके सामने, मैं बेसिकली जो तसव्वुर है अल्लाह के रास्ते में देना, अल्लाह के रास्ते में देने का क्या मकसद है, इसका क्या तसव्वुर है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। और वो एक मैं तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस से कि क़यामत के दिन कुछ बंदे अल्लाह की बारगाह में हाज़िर किए जाएंगे, उनमें से एक बंदा जब जाएगा तो वो अल्लाह से कहेगा अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह कहेगा मैं तेरे पास आया था और मैं भूखा था, मैंने तुझसे रोटी मांगी थी, तूने तो अपना दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो कहेगा अल्लाह तेरा मेरा मजाक तो सजता नहीं, तू अहकमुल हाकिमीन है, तू कब मेरे पास आया था और भूखा था, तू तो खाने पीने से पाक है। दूसरा बंदा जब अल्लाह के पास जाएगा, जन्नत को सवाल करेगा, तो रब उससे कहेगा कि मैं तेरे पास आया था, मैं बीमार था और मैंने तुझे कहा था मुझे कुछ पैसे दे, मैं अपना इलाज कराऊँ, तूने दरवाज़ा ठक से बंद कर दिया। फिर चौथा बंदा आएगा, अल्लाह ताला उससे कहेगा तू किस लिए आया, वो कहेगा अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं तेरे पास आया था और सर्दी से ठठड़ रहा था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैंने तुझे कपड़ों का सवाल किया था और तूने मुझे कपड़े भी नहीं दिए और मेरे ऊपर दरवाज़ा भी बंद कर दिया। अब वो तीनों बंदे वहाँ खड़े होंगे, कहेंगे अल्लाह तू अहकमुल हाकिमीन है, तू बादशाहों का बादशाह है, तूने कब इन चीज़ों की तुझे ज़रूरत पड़ती है, तूने कब हमसे सवाल किया था, ऐसा तो हरगिज़ हुआ नहीं है। अल्लाह ताला उन तीन बंदों को उन तीन बंदों के सामने ले आएगा जिन्होंने जाके ये चीज़ें मांगी थी। अल्लाह पूछेगा ये तीन बंदे आए थे ज़रूरतमंद तुम्हारे दरवाज़ों पर, अल्लाह ये तो आए थे लेकिन तू तो नहीं आया। फरमाया कि जब कोई ज़रूरतमंद किसी के दरवाज़े पर जाता है वो यूँ समझ ले कि वो ज़रूरतमंद नहीं आया, वो खुद खुदा आया है। तो अल्लाह के रास्ते में देने का मतलब क्या है? अल्लाह के रास्ते में देने का मतलब ये है कि जो रब ने दिया है उस में से अल्लाह के बंदों को दिया जाए। अब यहाँ पर एक और मैं आयत आपके सामने रखता हूँ जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युदाइफ़ुहु लहु अदाफ़न कसीरा। कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ दे और अल्लाह उसको ये कर्ज़ दुगना चुगना करके वापस लौटाएगा? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को कर्ज़ किस तरह दिया जाए, रब्तुल्ला मकान में और हम मकान में, फिर उसको हम अगर कर्ज़ देंगे तो ये दुनिया की ज़रूरत की चीज़ें देंगे, सिक्का पैसा देंगे, माल मवेशी देंगे, खाना पीना देंगे, कपड़े इलाज दवाई देंगे, तो अल्लाह को क्या किस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।
तो अल्लाह को हम अगर देना भी चाहें, वो बेनियाज है, अगर उसने मांग भी लिया है कर्ज़ा, तो हम उसको कर्ज देना चाहते हैं ताकि वो हमें फिर क़यामत के दिन उसे दुगना चुगना करके वापस लौटाएगा, तो कहाँ जाएँ और किस को दें जाके? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई कि अपना माल, अपना मता, अपने मवेशी, अपने जानवर, रब ने जो तुम्हें इस्तेताद दी है, रब ने जो तुम्हें ताकत दी है, रब ने जो तुम्हें कुव्वत दी है, उस में से अगर तुम अल्लाह को देना चाहते हो तो फिर अल्लाह के उन बंदों के पास चले जाओ जो महरूम हैं इन ज़रूरत की चीज़ों से। सही। अलामा पीर शफात रसूल कादरी ने बड़ी खूबसूरती से हमारे टॉपिक को एक्सप्लेन किया। अब बढ़ते हैं अलामा हसन रजा पाकर की। जी अलामा साहब, हमारा जो आज का टॉपिक है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर ऑडियंस के भी सवाल हैं, मेरे भी ऑब्वियसली बहुत से सवाल हैं। टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि हज़ार चीज़ें जहन में आती हैं। सही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह तबारक व ताला जो इंसानों से चाहते हैं कि ये सही तौर पर अल्लाह के बंदे बन जाएं, तो इसके लिए दो मरहले हैं। पहला ये है कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक ठीक हो और उसके लिए इबादत नमाज की ताकीद है। दूसरा, हमारा दूसरे बंदों के साथ मखलूक से ताल्लुक ठीक हो, उसके लिए हमें इन्फाक का हुक्म दिया गया, खर्च करने का हुक्म दिया गया, दूसरे मखलूक के साथ भलाई करने का हुक्म दिया गया। अब जो अल्लाह ने कहा अनफिकू मा रज़क़कुम अल्लाह, यानी खर्च करो कि जो अल्लाह ने ही तुम्हें दिया है। कि पहला, अगर मैं कहीं अल्लाह की मखलूक पे खर्च कर रहा हूँ तो जहन में ये होना चाहिए ये अल्लाह का ही अता किया, मैं अल्लाह के बंदों पे खर्च कर रहा हूँ। और दूसरा, जब हम खर्च करने की बात करते हैं, हमारे जहन में सिर्फ माल आएगा, दौलत आएगी, खाना पीना आएगा, लेकिन सदक़े का मफहूम इससे ज़्यादा है। अगर आपके पास कोई हुनर है, आपके पास कोई फ़न है, आपके पास कोई इल्म है, कोई काबिलियत है, सलाहियत है, जब दूसरों को उससे मुस्तफ़ीद कर रहे हैं तो ये भी आपका सदक़े के ज़ुमरे में शुमार होता है। बल्कि यहाँ तक है कि अगर कोई इंसान परेशान हाल है, मैं उसे देने को मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मैं हौसले के साथ उसकी मुसीबत परेशानी सुनता हूँ, उसे तसल्ली देता हूँ और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आता हूँ, शरीयत की निगाह में ये भी सदका शुमार हो रहा होता है। लेकिन अब जब कुरान मजीद को हम देखते हैं कि अल्लाह ने कहा यस अलूनका मादा युनफिकून, कि मेरे नबी ये लोग आपसे पूछते हैं वो क्या राह खुदा में खर्च करें। अब अल्लाह ने कहा कुल, इन्हें कहो मा अनफक्तुम मिन खैरिन, असल अहम ये नहीं है कि क्या खर्च करना है, असल अहम ये है कि किन पर खर्च करना है। फिर कहा मानफ़क्तुम मिन खैरिन, यानी जो भी खैर, जो भी भलाई, जो भी इंसानियत के लिए सूदमंद और इंसानियत के फ़ायदे में है वहाँ पर खर्च किया जाना चाहिए। और फिर वहाँ पर सबसे पहला जो कहा गया फ़लिल वालिदैन वल अक़रबीन, कि अपने माँ बाप पे सबसे पहले खर्च करो, फिर जितने करीबी रिश्तेदार हैं उन पर खर्च किया करो। लिहाजा जब हम ये देखते हैं अपना उनवान तो ये एक वसी है पहला। लेकिन अलामा साहब, खर्च करते हुए जो मुझे सबसे बड़ा वट चढ़ता है, आपने बड़ी प्यारी बात आप दोनों ने इसकी तरफ निशानदेही की कि भाई रब ने दिया है आप रब के बंदों पर लगाएं, सिंपल सी बात है। हम यही सोचते रहते हैं कि करने के बाद भी अगर आपने, चलो एक हाथ ने दिया दूसरे हाथ को भी नहीं पता चला, लेकिन दिमाग पर बात घूमती रहेगी कि मैंने इसके सर पे एहसान किया है। और सडनली हम अपने आप को ना बहुत वो फील करना शुरू कर देते कि हम बड़ी कोई तोप चीज़ है। बात ये कि दिया भी रब ने, अब ये रब ने आपके राह में वो बंदा भेजा जिसको आपने हेल्प करना है, उसको भी अल्लाह ताला ने भेजा, आपने उसकी हेल्प की, आपने अल्लाह मियां ने जो आपको काम किया करने का, इसमें आप अपने मतलब जो कहता है आपके अंदर आकर किस चीज़ की आ रही। अब इसमें जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें का खर्च करने का हदीस मुबारका में है कि अगर तुम गिन गिन कर अल्लाह के बंदों पे खर्च करोगे तो अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन कर देगा, और अगर तुम बगैर गिने अल्लाह की मखलूक पे सर्व कर दोगे तो अल्लाह भी तुम्हें बेबहा अता करेगा। लिहाजा आप भी अगर यही एक नुस्खा अमल कर दें। और दूसरी की तरफ मैं इशारा करूंगा जल्दी से, कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तलू सदकातकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ऐ साहिबान ईमान अपने सदकात को ये जो खर्च करते हो इसे एहसान जतला कर और दूसरों को तकलीफ देकर बातिल न करो। लिहाजा अगर आप किसी के साथ अच्छाई करके एहसान जतला रहे हो, फुला मुश्किल के वक्त मैं तुम्हारे काम आया था, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी नेकी को जाया कर दिया है। सिर्फ खुदा की रजा के लिए हमें यह अमल करना चाहिए। और आप अपने अपने के हिसाब से अपने मामलात को आगे लेके चले, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ, बट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देने बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ भी दो इसमें तसव्वुरात हैं, एक है नफ्स वुजूब, एक है वुजूब अदा।
जब चांद नज़र आ जाए, माह रमज़ान शुरू हो जाए, तो अब आप पर वाजिब हो गया कि आप फितराना दें। ठीक है। लेकिन जिस वक्त से आप आगे नहीं बढ़ सकते वो वक्त है कि जब आप घर से निकल के मस्जिद या ईदगाह की तरफ ईद अदा करने के लिए चले गए हैं, उसके बाद उसका वक्त ख़त्म हो गया। जिस तरह नमाज का वक्त होता है, असर की नमाज आप असर के अंदर पढ़ेंगे, जब असर का वक्त गुजर गया अब अगर आप पढ़ते तो वो कज़ा होगी। औसत नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड बाय द वे, हम इसीलिए व्यूअर्स कोशिश करते हैं कि दोनों प्रस्पेक्टिव आने चाहिए। देखिए, किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोज करना ज्यादती है। आप जिस भी फिक्के से बिलोंग करते हैं, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और उन उसूलों को फॉलो करें, राइट? क्योंकि बात यह कि हम सब ने मिलकर को एग्जिस्ट करना है व्यूअर्स, और यही डिस्कशन ही को यही कुरान पाक में भी यही है कि आप अपने मसले की वजाहत करें, किसी पर मुसल्लत ना करें। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम लाइबा है और मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग हिसाब करके ज़कात देने की बजाय चंद हज़ार रुपये या राशन के कुछ पैकेट दे देते हैं, तो क्या इस तरह ज़कात हो जाती है? अच्छा, यू मीन के राशन वगैरह जो लोग बांट देते हैं या लंगर का एहतमाम कर लिया घर के बाहर, आप इसके बारे में पूछ रहे हैं? जी। ज़कात का जो आपके ऊपर बनती है, यानी 2.5% आपकी ज़कात है, 2.5% के हिसाब से जितनी आपकी ज़कात वाजिबुल अदा बनती है, आपके लिए अफजल ये है कि आप सिक्का रायजुल वक्त में उसे दें। अगर आप किसी और चीज़ की शक्ल में सूरत में देंगे जिसमें भी कोई कबाहत नहीं, आप लंगर खिला दें, आप कपड़े लेके दे दें, आप दवाई लेके दे दें, लेकिन फुकाहा किराम फरमाते हैं कि आप ज़कात अदा करें सिक्का रायजुल वक्त में। हो सकता है जिसको आप रोटी खिला रहे हों ज़कात के पैसों से, हो सकता है उसको उस वक्त खाने की ज़रूरत ना हो, उसको दवाई की ज़रूरत हो, उसको किसी और हाजत की ज़रूरत हो। लेकिन भैया, बहुत से लोग ऐसे भी तो करते हैं ना, जैसे हमारी फैमिली में तो ये बड़ी एक नॉर्मल, बहुत अरसे से पिछले मेरी नानो भी यही करती थी, एंड शी पास्ड अवे व्हेन आई वाज 9। तो आप देख लें कि राशन के पैकेट तैयार किए जाते थे जिसमें आटा, चीनी, पत्ती, लाल चप, इस तरह की ना 6-7-8 चीज़ें डाल के और एक महीने का या आधे महीने का राशन लोगों को दे दिया जाता था। और डिफरेंट डिफरेंट, वो आजकल तो ये, अब तो बॉक्सेस भी आ गए, अब तो बड़ा आसान हो गया, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर लेते। तो क्या वो भी आप ज़कात के तौर पे दे सकते हैं उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है? वो देने वाले की नीयत है, एक तो नीयत की ज़रूरत है ज़कात देते हुए, दूसरा मुस्तहिक कि आपको देना उसको है जो मुस्तहिक है। तो जानने वाले और रिश्तेदार अगर खुशहाल हैं और आप वैसे ही उनके घर राशन भिजवा रहे हैं एक लाड प्यार में, वो फिर वो फिर ज़कात में तो नहीं जाता ना। उसकी वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक में जो फरमाया गया ना, वहाँ मसारिफ गिनवाए गए हैं ज़कात के। इन्नमा सदकातु लिलफुकरा वलमसाकीन वलआमिलीन अलैहा वलमुअल्लफत कुलूबुहुम वफिर रिकाब वबनि सबील। के मुस्तहिक को आपने देना है, खा जिसको भी दें आप, एक तो नीयत कर लें। अच्छा, नीयत का इजहार ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप दे रहे हैं उसको बताना कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नीयत ज़कात देने वाले को करनी है, लेकिन तलाश करें मुस्तहिक को दे। बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट। हाँ जी, अब देखिए ज़कात के हवाले से जो मैं अर्ज करूँगा, पहले चॉकलेट उसको दे रहे हैं जिसको एक्चुअली ज़रूरत है एक साल पे छत की, तो वो चॉकलेट तो खा लेगा लेकिन उसका मसला नहीं हल होगा। अच्छा, इस गुफ्तगू देने वाले की ज़कात अदा हो जाएगी अगर वो राशन के पैकेट भी ज़कात के माल से बना के देता है, तो उसकी ज़कात अदा होगी। लेकिन बेहतर ये है, जिस तरह मैंने पहले कहा, फ़िक़्हा हनफ़ी के मुताबिक सिक्का रायजुल वक्त में ज़कात अदा करना ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। एक बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी ने, डॉक्टर मुश्ताक मंगट हमारे साथ हैं, नायब सदर हैं अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के। आप सब जानते हैं अलखिदमत फाउंडेशन एक ब्रिलियंट फाउंडेशन है, एक ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो जब भी पाकिस्तान में कभी भी कोई क्राइसिस आया है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं पे क्राइसिस आता है, इन लोगों के टीम्स और इनके एफर्ट्स जो हैं वो सारे उन मसलों को रिजॉल्व करने की तरफ फोकस में आ जाते हैं। फ्लड्स की बात करें, फलस्तीन के मसाइल पे बात करें, आप अर्थक्वेक्स की बात करें, हर लेवल पे, इवन कोविड के दौरान इन्होंने जिस किस्म के एफर्ट्स किए हैं उनके साथ कोई मुकाबला नहीं लगा सकता। और डॉक्टर साहब खुद जो है अब तक बहुत सी रिसर्च पब्लिकेशंस शाया कर चुके हैं बहुत से डिफरेंट लेवल्स पे, और इन्होंने अपनी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ लिबरेसी से डॉक्टरेट भी किया है, एंड माशाल्लाह। और बाय द वे, खुद आप टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता है,
डॉक्टर साहब, आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह की राह में खर्च करना, और अलखिदमत फाउंडेशन का भी ऑब्जेक्टिव यही है। तो ज़रा हमें डिटेल में बताएंगे कि ये फाउंडेशन क्यों बनी और इसका इसके पीछे प्रेमिस क्या है। बहुत शुक्रिया जी। अलखिदमत फाउंडेशन को 1990 में हमने इसका आगाज़ किया था, तो इस लिहाज से हमें 34 साल हो गए काम करते हुए। तो हम 7 बड़े एरियाज़ में काम करते हैं, जिसमें डिज़ास्टर्स हैं, ऑर्फन का प्रोग्राम है, पानी के मंसूबे हैं, हेल्थ का है, एजुकेशन का है, कम्युनिटी सर्विसेज का है, मवाक़ात का है, और ये 7 बिग एरियाज़ हैं, और फिर आगे बहुत छोटे छोटे एरियाज़ हैं। अगर मैं सिर्फ इनमें 2-3 की बात करूँ तो ये कि भी हम डिज़ास्टर्स में, जैसे अभी आपने देखा, और आजकल हम फ़लस्तीन जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ पर हो रही है थ्रू अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान। अब तक हम कोई 6 फ्लाइट भिजवा चुके हैं और 1 अब बहरी जहाज से भी हमारा सामान जा चुका है। ऑर्फन के सिलसिले में तकरीबन 30,000 के करीब ऑर्फनस हैं जिनकी घरों में हम कफालत करते हैं, और उनमें से कुछ 2,000 से ज़्यादा हैं जिनके हमने ऑर्फन हाउसेज बनाए हैं, वहाँ पर उनकी खिदमत करते हैं। पानी के मनसूबे, हेल्थ के मनसूबे, 325 एम्बुलेंस, ये सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह ये काम है। इसी तरह से अब हमने अपने दायरे को मज़ीद बढ़ाया है कि सिर्फ चैरिटी से निकल कर हम सोशल डेवलपमेंट की तरफ भी आएँ, माशरती डेवलपमेंट भी आएँ, ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों के। ये जहाज गया था ना, ये वाला? जी जी, ये जहाज हमारा गया था, भर भर के जहाज। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे ये 6 जहाज जा चुके हैं जी, 7वां बदरिया बहरी जहाज भी शुरू हो गया। तो एक सोशल डेवलपमेंट का भी हमने काम जो है ना वो शुरू किया हुआ है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी भी तौसब के, किसी भी मज़हब के, नस्ल के, इलाके के, किसी तरह का कोई भी तख़सीस के किए बगैर जो है वो हमारा मकसद सिर्फ लोगों की खिदमत करना। हम एक ब्रिज हैं, अहले खैर से लेते हैं और ज़रूरतमंद तक पहुँचा देते हैं, अपना जो कुछ होता है उसमें ऐड भी कर लेते हैं, वक्त भी देते हैं, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं, बस यही खिदमत का काम अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। अलामा साहब, हम तो बात कर रहे थे ज़कात के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहता था कि ज़कात जो है वो सादात पर हराम है, तो लिहाजा अगर कहीं ज़कात जब दी जा रही हो तो सादात को नहीं दी जानी चाहिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि ज़कात जो है वो लोगों का हाथों का मैल कुशैल है और इससे मेरी औलाद और मेरी नस्ल मुनज़्ज़ा मुबर्रा और दूर है। लिहाजा इसलिए सादात के लिए एक अलहदा दूसरा माली जो हमारे ऊपर बिल्कुल वजीफा है वो खुम्स है, कि जब हम खुम्स निकालते हैं तो वो सादात पर खर्च किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप लोग इतनी ट्रांसपेरेंसी से चलते हैं कि अगर कोई आपसे आपके अकाउंट्स और ये सारी चीजें मांगते हैं तो आप बड़े क्लियरली उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। आप 100 रुपए डोनेट कर रहे हो या आप 1 करोड़ रुपए कर रहे हो, आप अगर वन ऑफ द पीपल हु इज डोनेटिंग है तो आपको सारे राइट्स जो है ये मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह ट्रांसपेरेंसी लोगों को एक्चुअली देते हुए सिर्फ तब घबराहट होती है जब उनको पता नहीं होता कि पैसे कहाँ जा रहे हैं और क्या वो अपनी जात के ऊपर खर्च कर रहे हैं वहां पे काम करने वाले लोग, या फिर एक्चुअली वो वहां पहुंच रहे हैं जहां वो चाहते हैं। तो ये बताइए कि कौन से सूबों में आप खिदमतें सरंजाम दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान के 150 जो मुख्तलिफ छोटे बड़े कस्बे हैं ना जी, वहां पर हमारे दफातर मौजूद है। तो कोई भी पाकिस्तान का एरिया ऐसा नहीं है जहां पर हम नहीं हैं। उसके अलावा जो हमारी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं ना, ये है कि हम हर एरिया में काम करते हैं। कुछ लोगों को कुछ दुख होता है ना, फिर उसी सिलसिले में वो काम करना चाहते हैं, कोई पानी में, कोई ऑर्फन के लिए, कोई तालीम में, कोई सेहत। तो अगर मेरे जैसा बंदा कोई जगह कोई जैसे एक आम इंसान ऑब्जर्व करता है कि किसी ऐसी जगह पे किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो अलखिदमत से राबता करके उनको आगाही दे सकते हैं कि जी यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है या यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप वहाँ पे भी? जी, तरीक़ेकार यही है, हमें लोग नीचे से ये पैगाम भिजवाते हैं कि हमारे इलाके में मस्जिद नहीं है, इलाके के अंदर कोई सड़क या कोई छोटा सा मनसूबा नहीं है, तो हम उसको लोगों को के सामने पेश करते हैं कि देखिए जी, ये फलां इलाके के लोगों को पानी की ज़रूरत है। तो कोई ना कोई अहले खैर में से आगे आता है और उसके लिए हमें रकम देता है और हम वो काम करके उसका पूरी रिपोर्ट उसको वापस कर देते हैं। यही तरीका हमारा, और कोई इनकम नहीं है, हम कोई सरकार से पैसे नहीं लेते, हम कहीं और से पैसे, लोगों से पैसे लेते हैं, लोगों के लिए ही खर्च करते हैं और उससे दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। अच्छा, आपके पास वॉलंटियर्स भी होते हैं? हमारे पास कुछ 60,000 वॉलंटियर्स हैं जी। अब हमने वॉलंटियर्स को किन कैपेसिटी में, किस कैपेसिटी में काम करते हैं? उस कैपेसिटी में कोई 80% तो यूथ हैं, बाकी 20% में घरेलू खवातीन भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं,
पूरी की पूरी जो टॉप लेयर है अल खिदमत फाउंडेशन की, 150 दफातर में सदर सेक्रेटरी जो टॉप उनके लोग हैं सब वॉलंटियर्स हैं, नीचे फ्लोर में ग्राउंड में काम करने वाले भी सब लोग जो है ना वॉलंटियर्स हैं, तो वो मुख्तलिफ कैपेसिटी के हैं और मुख्तलिफ अवकात में जो भी फिर उनको काम दिया जाता है। अब हम उनको रजिस्टर कर रहे हैं, हमने एक पोर्टल बनाया है तो वहाँ पर उनको उनकी सलाहियत के मुताबिक उनसे काम ले रहे हैं और उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो और जो भी कोई काम करना चाहता है जिस तरीके से भी काम करना चाहता है, तो हम सिर्फ चैरिटी से हटकर अब ये भी हमने काम शुरू किया है कि अब बनो काबुल हमने शुरू किया, तो वो बेसिकली चैरिटी नहीं है, वो लोगों की स्किल डेवलपमेंट करने की बात है। 10,000 को कर चुके हैं, अगले 15-20,000 रजिस्टर्ड हैं, लाहौर में शुरू हो गया, इस्लामाबाद पेशावर में शुरू करें, तो लोगों की स्किल भी डेवलपमेंट करें ताकि वो अपने पाँव पर खुद खड़े हो सकें। हम अल खिदमत फाउंडेशन की खिदमत कैसे कर सकते हैं, मेन बात तो ये जी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है जी, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे 7 एरियाज हमारे लिखे हुए हैं, alkhidmat.org.pk तो उसमें अगर आपने ऑर्फन को अडॉप्ट करना है तो ऑर्फन के लिए पैसे दे सकते हैं, पानी लगाना है। अच्छा, अडॉप्ट से मुराद ये कि अगर आपने किसी बच्चे को स्पॉन्सर करना है, वो जिस तरह बाहर के ममालिक में होता है अडॉप्ट अ चाइल्ड किसी दुनिया के कोने में, तो हमारे अल खिदमत फाउंडेशन में आप किसी एक बच्चे, आपको उसकी तस्वीर दी जाती है, उसकी डिटेल्स दी जाती है और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी शेयर की जाती है। बिल्कुल उसकी जी हाँ जी, और उसको स्कूल जाने के लिए उसके साथ हम उसका एक 100-150 बच्चों पर एक ऑफिसर रखते हैं जो स्कूल में जाकर बाप की जगह के ऊपर एक तरह से वो जो काम है वो सर अंजाम देता है कि बच्चा आता है स्कूल में पढ़ता है, फिर महीने बाद उनकी हम एक छोटी मोटी एक फंक्शन भी करते हैं ताकि उसके अंदर वो जो एक नफसियाती एक दबाव है वो भी किसी तरीके से दूर हो सके। उनकी माओ को स्पेशल लोन देते हैं, कर्ज हसना देते हैं बगैर किसी नफ़े के और बगैर किसी और एडिशन के, ताकि वो अपने पूरा घर जो है वो अपने पाँव पर खड़ा हो सके। माशाल्लाह, और अभी आपकी इजाज़त से हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि फ़लस्तीन में ऑन ग्राउंड क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि You are one of the very few foundations जो actually physically on ground जाके ये सारे efforts कर रहे हैं और पाकिस्तान को represent कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने donations की वो obviously ये details कुछ जानना चाहेंगे तो ज़रूर बताइएगा उसके बारे में भी, और of course ज़रूरतें वहाँ पर बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही, ये याद रखिएगा। सो अगर पहले आप donate कर रहे थे हाथ खोल के, अब आपको दिल खोल के donate करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर situation बहुत ही problematic है। हम अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रख रहे हैं एंड एज़ यू नो हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश पर्सनालिटीज़ हैं। हमें लास्ट ब्रेक के बाद डॉक्टर मुश्ताक अंगट ने ज्वाइन किया, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल खिदमत फाउंडेशन को और आपसे सर बात करेंगे, लेकिन मैंने अब स्कॉलर से एक ज़रूरी सवाल पूछना है, क्या अलामा साहब सिर्फ अपने मुल्क और अपने इर्द गिर्द के लोगों की हेल्प और सपोर्ट करनी चाहिए, या जैसे कि फ़लस्तीन में मामला चल रहे हैं और सिर्फ फलस्तीन में नहीं दुनिया के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, कश्मीरी भाई बहनों को देख लें हमारे जी। अब देखिए, अगर सबसे पहले बात करें, अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मौजूद है कि मुसलमान एक जसद की मानिंद है, अब वो यहाँ पर रहता हो या दुनिया के किसी और कोने में रहता हो, अगर एक उज्व को तकलीफ़ होगी तो यकीनन दूसरे उज्व को भी तकलीफ़ होती है, तो लिहाजा एक मुसलमान दुनिया के जिस कोने में भी हो जब वो तकलीफ़ में होता है तो दूसरे कोने में जो बैठा हुआ मुसलमान है उसको वही तकलीफ़ का एहसास होता है, उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँगा कि इस्लाम ने जो हमें बताया है कि जब हम डोनेशन करना चाहते हैं तो हम कैसे शुरू करें, सबसे पहले ये है कि हम मैं ये देखूँ कि मेरे रिश्तेदारों में, मेरे करीबियों में कोई ज़रूरतमंद है, अगर मेरे करीबियों में कोई ज़रूरतमंद है और मेरे पास डोनेशन इतनी है कि मैं सिर्फ उन्हीं को खर्च कर सकता हूँ तो फिर मुझे सबसे पहले शरी तौर पर उन पर खर्च करना ज़रूरी वाजिब होगा। लेकिन ये जहन नशीन रखें, जिनकी नानो नफका अखराजात हम पे वाजिब हैं उन पे सदका नहीं खर्च हो सकता, जैसे माँ बाप हैं या औलाद हैं या बीवी है, उन पे तो हम अपने वाजिब जो अखराजात हैं वहाँ से खर्च करेंगे, ये सदक़े की बात कर रहा हूँ। पहले करीबी रिश्तेदार देखेंगे, अगर उनमें कोई नहीं तो फिर हम देखेंगे अपने हमसायों में कोई ऐसा ज़रूरतमंद है, हमसायों में भी कोई नहीं अपने अहले महल्ला में नहीं, अपने शहर या करिया में देखेंगे, वहाँ नहीं अपने मुल्क में देखेंगे, फिर वहाँ से ये दायरा वसी होता जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह ने हमें इतना कुछ अता किया है कि मैं अपने रिश्तेदारों को भी नवाज रहा हूँ, उनके भी हुकूक पूरे कर रहा हूँ, अपने इलाके वालों के भी पूरे कर रहा हूँ और उसमें से मैं अपने वाजिबात से हट के खैरात भी करना चाहता हूँ,
तो दुनिया के किसी कोने में भी वही जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि जिस्म के किसी एक अगर हिस्से को तकलीफ है उज्व को तो सारा जिस्म डिस्टर्ब होता है, मुसलमान की तो कैफियत यही होती है। बिल्कुल जी अलम साहब, मेरे ख्याल के मुताबिक अगर कोई शख्स अपने दिल के इत्मीनान के मुताबिक ये समझता है कि फलां शख्स ज़्यादा मुस्तहिक है और अगर वो मुल्क के अंदर या बैरून मुल्क जहाँ उसके इत्मीनान कल्ब है उसके खर्च करने में कोई कबाहत नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि फ़लस्तीन का जो मामला है वो एक हंगामी सूरत हाल है, वो रूटीन की सूरत हाल नहीं है। मसलन हमारे मुल्क में अगर गुरबत है वो एक हर दुनिया पूरी में गुरबत है, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे NGOs भी काम करें, हमारी हकूमत भी पॉलिसियाँ बनाए, हमारे इदारे भी काम करें। ये एक पॉलिसी है एक मुल्क की जिसके तहत हकूमत को और लोगों को उसके मुताबिक मेहनत करनी चाहिए। लेकिन जहाँ हंगामी सूरत हाल हो जिस तरह फ़लस्तीन के साथ है कि वहाँ 40,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुका है और 70,000 से ज़ायद वहाँ ज़ख्मी है, 10 से 12,000 बच्चे और बच्चियों और औरतें मलबे के नीचे अभी वो तड़प रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उनको अपने मसारिफ और अखराजात को कम करके वक्ती तौर पर अपने सारे माली जो मुआमलत है उसको वहाँ ले जाना चाहिए। और उसके साथ मैं उन तंजीमों को जो कहते हैं कि हम इंसानी बेस पर काम करते हैं, हम किसी रिलीजन को नहीं देखते, किसी मज़हब को नहीं देखते, उनको लिए फ़लस्तीन का जो ये वक्त है उनके लिए पूरी तवज्जो का मुस्तहिक है। डॉक्टर साहब ने एक लफ्ज़ बोला है, उनका कि अगर आप सारा नहीं दे सकते तो शेयर करें। फ़र्ज़ करें आपकी 1,00,000 ज़कात निकलती है तो आप अपने मुल्क में 75,000 रुपये आप मुल्क में खर्च कर दें, यहाँ की गुरबत के लिए खर्च कर दें, बीमारों के लिए खर्च करें, लेकिन उसमें से 25,000 रुपये ज़रूर फ़लस्तीनी लोगों तक पहुँचाएँ। ये एक वक्त है, अल्लाह करे ये वक्त ख़त्म हो जाए, आने वाला जो रमज़ान होगा और आने वाली हमारी ज़कातें होंगी, हमारे NGOs होंगी, वो फिर दोबारा पाकिस्तान में अपनी पूरी तवानाई सर्व कर सकती हैं। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब, इंडोर्समेंट तो 100% आपके साथ है, अब ये बताइए कि ऑन ग्राउंड फ़लस्तीन में आपके क्या एफर्ट चल रहे हैं? आपने ट्रूली अल खिदमत फाउंडेशन होने का, इंसानियत की खिदमत करने का एक ब्रिलियंट एग्ज़ाम्पल है ये फाउंडेशन। बहुत शुक्रिया जी। एक तो मैं अपने दोनों हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मेरी बात को भी नोट्स किया। और हमारा तरीक़ेकार ये है जी कि भी हम तो लोगों के सामने अपील करते हैं कि यतीम बच्चे भी हैं, फ़लस्तीन भी है, कश्मीर भी है, सब जगहों के ऊपर हर आदमी फिर खुद फैसला करता है कि उसने कहाँ पैसे देने। अच्छा, यानी कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं? जी, हमने तो ज़ाहिर कहा ना जी कि भी फ़लस्तीन का इशू है, लेकिन साथ हमने कहा कि यतीम बच्चों की कफालत है 30,000 की, पाकिस्तान में 45,00,000 यतीम बच्चे हैं, तो जिसका जो चीज करता है। तो मैं जो मेरे इल्म के मुताबिक किसी ने भी एक्सक्लूसिव फ़लस्तीन के लिए पैसे नहीं दिए, उसने शेयरिंग की है, अपने ख़ानदान को भी देखा है, महल को भी देखा है, और फिर एक हंगामी ज़रूरत को भी देखा और अपनी ज़रूरत को कम भी करके उन्होंने पैसे दिए। 7 अक्टूबर की रात शाम को ये वाक़या होता, तो उसी रात हमने अपना फ़ैसला किया और 8 अक्टूबर को हमने वहाँ पर अपनी जो हमारा नेटवर्क है बहुत सारी NGOs के साथ वहाँ पे हमने काम शुरू कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन से हमने गजा के अंदर अपना कहरो में अपना दफ्तर बनाया, अपना वेयर हाउस बनाया, वहाँ से पैसे यूरोप से जो मिलते हैं वो वहाँ पर हम इकट्ठे करते हैं और वहाँ से सामान खरीदते हैं। पाकिस्तान में से जो हमें पैसे मिलते हैं वो जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में काम करती है उनके साथ हम स्वैप करते हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान के बहुत बड़े अदारे NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तावन से हमने यहाँ से सामान भेजना शुरू किया है बजाय पैसे भेजने के। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 1400 टन माल जो है सामान जो है, और उसके अंदर भी आपको ये याद रहे ये बड़ी ही अहम बात है कि कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं जा सकता, यानी आपने कुछ ऑपरेशन का सामान नहीं जा सकता, ये भी एक सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें जा रही हैं वो या मेडिसिन जा रही हैं या कोई खाने पीने की चीज़ें जा रही हैं या कुछ और छोटा मोटा पहनने की कपड़े या घरों की जो चीज़ें जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 1400 टन ले चुके हैं और हर महीने हमने ये तय किया है कि जी एक जहाज़ में 100 टन 200 300 जितना होगा वो यहाँ से बेचेंगे और एक शिपमेंट जो है वो हम वहाँ से कैरो से उसमें करेंगे। 5 अरब रुपया लोगों ने हमें दिया है इस काम का, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों ने 100% पाकिस्तान के लोगों ने 4 अरब दिया है, 1 अरब हमें जो बाहर पाकिस्तानी है उन्होंने दिया है। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमको 2 अरब से ज़्यादा का काम जो है वो कर चुके हैं और मुसलसल जो है अब हम इस काम को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जा चीज़ें यही 2-3 रही हैं, या खाने पीने की चीज़ें हैं या मेडिसिन है या
कोई हाइजीन के किट्स हैं ख्वातीन की या इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना वो जा रही हैं, बल्कि उन्होंने तो अभी एक और डिमांड है कि जो खिलौने भेजे ताकि जो बच्चे बेचारे कैंपों में खेलने के से, और अभी उन्होंने कहा कि जो बहुत बड़ी तादाद में बच्चों की जो कैंपों में है अब उनकी स्कूलिंग का तो कोई चांस नहीं है वापस जाने का, तो ऑनलाइन स्कूलिंग जो है ना उनकी शुरू की जाए, तो उसके लिए भी हमने कुछ यूनिवर्सिटी से बातें की हैं कि जो वहाँ से यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट बेचारे वहाँ पर फंसे हुए हैं तो उनको किसी तरीके से यहाँ की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया जाए, ऑनलाइन दिया जाए। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ने एक ने में कहा कि नो नंबर, जितने मर्जी भी फ़लस्तीन के नौजवान जो हमारी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं वो आ जाए, हम उनको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएंगे, लिविंग एक्सपेंसेस आप उनके बियर करें। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 100 के करीब जो हैं पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ज़ाहिर पीछे से तो उनको कुछ नहीं आ रहा, तो ये मल्टीपल डायरेक्शन जो है ना वो काम है, सेहत में भी है, अभी वो उसकी रिहेबिलिटेशन जब होगी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पूरा शहर जब तबाह हो जाए तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा जी। वो एक एस्टिमेट है जी को $80 बिलियन चाहिए अगर 50 साल का टाइम चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अल्टीमेटली व्यूअर्स वही वाली बात है कि आप भी अगर इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, अपने रब की राह में खर्च करना चाहते हैं, तो अलखिदमत फाउंडेशन इज़ योर बेस्ट ऑप्शन। www.alkhidmat.org.pk। ये बरकतों रहमतों वाला महीना है, आप जितना दूसरों पे खर्च करेंगे उसे कई गुना ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। और एक एनर्जी का इंजेक्शन मुझे मिल गया क्योंकि मेरे सामने एक इतना खूबसूरत चेहरा बैठ गया आके, इतना हसीन, और जितना हसीन चेहरा है उससे ही ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा हसीन एनर्जी। मैं बात कर रही हूँ शब शहराज की, उसके बाद मुलाकात कराऊंगी उस लड़के से जिनका नाम इनके नाम के साथ अटैच्ड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और लड़के को इंट्रोड्यूस करा दो। ऑफ कोर्स, वैसे नाम क्या, शक्ल ही काफ़ी है। वो जो एंग्री यंग मैन वाली जो हमारी लुक है ना, वो इतनी अब जेन लुक हो गई है कि कभी कभी पहचाने नहीं जाते आप। मैं बात कर रही हूँ हमारे मुल्क के बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट एक्टर की, अ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड यूनिक डायरेक्टर एंड अ वेरी गुड प्रोड्यूसर इज वेल, आगा शिराज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाली कहते हैं कि जब बेगम साथ हो ना तो जितने बड़े से बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो उसकी भी बोलती बंद हो जाती है, जबकि वो सारे इलाके कह रही है ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता ना, चेंज पर्सनैलिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, मैंने देखा है इनमें, और मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, हालांकि मेरी इतनी डोमिनेंस वाली नहीं है पर्सनैलिटी, मगर मैं चेंज आता है, वो एक लड़का जॉली सारा एक बड़ा सीरियस सा हो जाता है। बाय द वे मुझे भी यही बात मेरी एक दफ़ा मेरी नंद ने कही, वंजी दीदी ने, कितनी प्यार से मेरे हस्बैंड को बूबू बुलाते हैं, राइट, तो छोटे ऐसे उनसे कहते हैं बूबू, वैसे तो चहकरा होता है, तुम सामने होती हो आती हो उसकी बोलती बंद हो जाती है, हम लाइक मैं की कीता है। अच्छा, ये सिर्फ मैं और नहीं, दहशत कोई नहीं है मेरी, मेरे से 13 साल बड़े हैं फैसल, कोई इतनी मेरी दहशत नहीं है घर पे, सॉरी। नहीं, ये सिर्फ मैं नहीं है, हर कोई, आप किसी भी आप एक्टर को लेके आना उसकी बेगम साथ होना तो बेगम ज्यादा बोलती है, ठीक है, वो एक्टर बहुत कम बोलता है। यस जी बिल्कुल, मतलब ठीक है, दो खवातीन में बैठ के ये बात कह दी है एंड यू थिंक के आई एम गोइंग टू से यस यस यू आर राइट। यार मैं एक बात बताऊं, पिछले दिनों मेरी आपसे मुलाकात हुई, कितनी गप्पे लगाई हमने। हाँ वो बात बिल्कुल सही, हमने ब्रेक में भी गप्पे लगाई, हमने ऑन एयर भी गप्पे लगाई, हमने आपके जाते हुए भी गप्पे लगाई। नहीं मसला ये होता है कि पोल ना खुल जाए ना बातों बातों में, ये बोले ना इस पासे चले आप तो फिर बात समझ आती है। अच्छा चले, ये बातें तो अपनी जगह ठीक है, ये इख्तलाफ तो चलता रहेगा, मैंने कहते रहना है कि नई नई बंदे जो हैं, वैसे एक बात है, ये जब बॉयज एक साथ होते हैं ना टुगेदर, तो फिर कोई ऐसा बॉय नहीं होता जिसके फोन पे कम से कम 6 फोने ना आए हुए, उनकी बीवी की या मैसेजेस ना आए हुए हो कि वापस कब आना है। वेरी ट्रू। व्हाई? वेरी ट्रू। आप लोग ऐसा करते क्या है? अच्छा, कभी पता है कभी कभार ऐसा होता है, किधर है, दोस्तों के साथ बैठो, वीडियो कॉल तो करें जरा। अच्छा कितना होता है, कितने 15 सालों में कितनी बार हुआ है? कितनी दफा हुआ है बताएं? मैं हुआ है काफी दफा, और मुझे मेरे एंड में मुझे लगता है मैं बहुत इजी गोइंग वाइफ हूँ।
मैं नहीं इनको इतना तंग करती जितना मैं देखती हूँ अपनी फ्रेंड्स को कि यार तुमसे तो छोड़ा हुआ है तुम्हारा तो ये या वैसे इस चीज का मैं क्रेडिट दूंगा। बात इस बात से मुझे पर्सनली बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि देखिए बेसिकली ही इज वर्किंग इन द मीडिया राइट इन द फोरफ्रंट ऑल ऑफ दैट स्टफ तो छोड़ना ही पड़ेगा तो बेचारा काम कर पाएगा सीधी बात है। और मैं सेट्स पे नहीं जाती मैं इनके ड्रामे नहीं देखती कोशिश करती हूँ कि मैं ना देखूं किसी का हाथ ना लड़की का पकड़ा हो मैंने सेट पे तो मैं बिल्कुल जाती ही नहीं हूँ क्योंकि ये रिजर्व हो जाते हैं बहुत रिजर्व हो जाते हैं बहुत इजी गोइंग नो बट यू हैव द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ चिल वाइफ बाय द वे जो नॉन चिल वाइव्स हैं उनकी प्रॉपर रेपुटेशन है पता है कि इनकी बीवी इनकी बीवी इनकी बीवी बड़ी स्ट्रिक्ट है तो ज्यादा हंस के भी नहीं हेलो कहना बहुत कम कम है बहुत कम कम निकस्मे नहीं एंड स्ट्रेंजली एनफ वो बहुत फेमस और सक्सेसफुल एक्टर्स है यस यस तो होना पड़ेगा मेरे ख्याल से नहीं 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 होना पड़ेगा प्लीज नहीं होना पड़ेगा अगले का मैं एक बात बताऊं बीइंग अ वुमन मायसेल्फ वर्किंग इन द मीडिया अगर फैसल इसी तरह कॉन्स्टेंटली मुझे कहते हैं किधर जा रही हो कब आओगी का मतलब आई डोंट नो बात ही होती है कि हमारा काम ऐसा है कि बंदा फ्लो में चल रहा होता है कभी कभी दो घंटे में काम खत्म हो जाता है जो आठ घंटे में खत्म होना होता है और कभी कभी काम चलता ही चला जाता है और सुबह के 3 बज जाते हैं yes. उस वक्त एक्सप्लेन करना कि जी लाइट को आग लग गई थी तो फलां बंदे की तबीयत खराब हो गई तो हमें वेट करना पड़ा तो इसको ड्रिप लग रही थी तो अच्छा पता क्या मुझ पे ट्रस्ट करती है मैं इस पे ट्रस्ट करता हूँ इस वजह से हमारे अंदर ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं है कि आपने कितने बजे आना है कहाँ आना है ये है फलाने ढंग का ना ये वो उन बीवियों और शौरों के साथ होता है जो ट्रस्ट लेवल जिनका थोड़ा सा कम होता है नहीं बट आप दोनों का ट्रस्ट लेवल एक दूसरे के अंदर ज्यादा कैसे क्योंकि दो प्रॉब्लम्स है एक तो यू वर्क इन द मीडिया दूसरी बात मीडिया के जो बॉयज होती हैं उनकी वाइफ्स की बाय डिफॉल्ट हेलो हाय दोस्ती हो जाती है yes. उनमें से एक या दो भी ऐसी हो जो हर चीज के ऊपर नजर मैंने उस दिन फोन चेक किया तो ये निकला मैंने ये किया तो वो निकला नहीं है थी थी कुछ थी तो फिर अगले का भी दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है यार नहीं मुझे समझ आ जाती है कि नहीं उस तरह के सर दर्द को या बुखार को मैं तो नहीं इट्स टू मच फॉर मी मैं तो नहीं सह सकती कि मैं हर वक्त नज़र रखूं कि क्या हो रहा है और फ्रेंड्स की स्टोरीज आजकल एक और है जैसे आप कह रहे थे ना कि उनकी बीवियों ने कुछ ऐसे निकाले होते हैं इंस्टा स्टोरीज देखते हैं कि उनकी स्टोरीज में उनके हस्बैंड्स क्या कर रहे होते हैं और यकीन करो कुछ कुछ एससीओ की भी कॉल्स आई किधर है अभी ये आगा के साथ है या आगे के साथ नहीं है मैंने कहा ब्लॉक करो उसको ये औरत है ही नहीं इस लाइक ये दोस्ती के लाइक है मैंने ये फौरन ब्लॉक कर देती या फिर उसको रिप्लाई नहीं करती मगर देखा जाए तो वो वही है जिनकी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ आई गेस नहीं मेरी जान मैंने तो ऐसे भी देखे 20-20 साल हो गए शादी के और कॉन्स्टेंटली लड़ाइयां ही चल रही देखिए पता है होता क्या है आप अपने बुरे ताल्लुक की लपेट में दूसरे लोगों को लेके उनके ताल्लुक ना खराब करें yes. मुझे सिर्फ इश्यू इस चीज से होता है एक पॉइंट आया जब मैंने इंडस्ट्री की दोस्तियों और डायनामिक से किनारा कशी कर ली आई वॉज एट दैट टाइम डिवोर्स्ड एंड आई हैड अ स्मॉल चाइल्ड मुझे ये डर लगता था कि मेरे ऊपर कोई ऊटपटांग इल्जाम ना लगे आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू मुझे सब कहते थे तुम हैंग आउट नहीं करती हम सारे बैठे होते बीवियां ही कहती थी कि आ जाओ यार मैंने कहा यार मैं अनमैरिड हूँ इस वक्त मतलब डिवोर्स्ड हूँ ये ना हो कि मेरे सिर किसी और का वो लग जाए तो मैंने किनारा कशी कर ली वल्नरेबल होते हैं बहुत पता है इंसान वल्नरेबल होता है लोग आपको देखते भी बड़े अजीब निगाह से हैं और फिर प्रिज्यूम भी कर जाते हैं चीजें और हमारी आपस में दोस्ती होगी किसी और को चुभेगी और फिर हमारा आपस में मसला पड़ जाएगा वेरी ट्रू वेरी ट्रू और आप लोग तो कराची से अब इस्लामाबाद भी शिफ्ट हो गए ये क्या माजरा है और मामला है अच्छा मेरे एक स्क्रिप्ट में ड्रामे में एक जुमला था कि इस्लामाबाद के मौसम का और इस्लामाबाद की औरत का ना कभी यकीन ना करना और बस वो जुमला इतना भारी पड़ गया कि मेरी शादी इस्लामाबाद में हो गई शादी भी इस्लामाबाद में हो गई और फिर शिफ्ट भी इस्लामाबाद हो गए यार पता है क्यों इस्लामाबाद मुझे बहुत, एक तो बहुत बहुत अच्छी जगह है यस नेचर मुझे बड़ा पसंद है और इस्लामाबाद के लोग भी बड़े अच्छे हैं यस नो डाउट अब मुझे कहते वो जुमला गलत था अच्छा मैं अब ऑपोजिट में 15 साल शादी होके कराची गई हूँ एंड आई लव कराची मैं कराची को इतना मिस करती हूँ कि मैं पता बहुत इमोशनल हो रही हूँ इनको इस्लामाबाद अच्छा लगता है और मुझे होता है मैं यार वापस किसी तरह कराची चली जाऊँ मुझे अच्छा लगता है मुझे तीन साल हो गया
तीन साल हो गए हमें शिफ्ट हुए हुए इस्लामाबाद, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही। दैट्स आल्सो बिकॉज़ ना देखो इस्लामाबाद बहुत अच्छा इस लिहाज से है कि बड़ी रिलैक्सिंग जगह है, बड़ी ज़ेन है। रात के 8-9 बजे कराची में तो चीजें शुरू होना शुरू होती है 9 बजे रात। खैर इस पे हम कंटिन्यू करेंगे इस गुफ्तगू पे, लेकिन हमने कलाम की तरफ भी बढ़ना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाहर जाके कुछ गलत कर रहे हैं, बट हर पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे 12 दिन की शूट हो, दुनिया के दूसरे कोने में गए हुए हो, एंड में तो लौट के घर ही आना है ना। देखो ट्रस्ट है ना एक दूसरे पर, एक्चुअली घर वो मकान नहीं है, घर ये है। मैं कहीं भी जाता हूँ ना मैं इसको लेके जाता हूँ, ठीक है, कहीं भी कोई टूर भी हो या कुछ भी हो, मैं ना आ जाए चलते हैं। अच्छा है हम है ही तीन, मेरा हमारा एक बेटा है, मैं हूँ और ये है, तो वी टैंग अलोंग के भाई चलो हमारी आउटिंग। और ये पता है और ये सुन्नत भी है हमारे हुजूर अलैहि सलाम की, बिल्कुल। बस तो मैं उस सुन्नत को बस जगाया हुआ है मैंने। गुड जॉब। यस बाकी लोग भी सुन ले और से ये मैं ताना इसलिए मालूम मेरा मियाँ लंदन गया हुआ। ओह सॉरी अभी वो जुनीवा में बैठे हैं, वो लंदन से जुनीवा मूव हो चुके हैं और मैं आप लोगों के साथ हूँ अपनी खुशी से। चले जी जैनब की तरफ मूव करेंगे, लेकिन जैनब से रिलेटेड कुछ सवाल हमारे पास हैं इन दी ऑडियंस, और हमारी जो ऑडियंस मेंबर सवाल पूछेंगे उन्हें विंसे की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। विंसे पाकिस्तान वाहिद क्वालिटी कॉन्शियस और वेल नोन ब्रांड है जो इंटरनेशनल क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। इनके प्रोडक्ट सेफ़ हैं और प्लांट बेस्ड हैं और प्लांट सोर्स इंग्रेडिएंट्स से इनको बनाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स। अगर हम बात करें इनके शैम्पूज की, इनके हेयर मास्क की, इनके हेयर सीरम्स की, ऑल ऑफ विंसेस प्रोडक्ट्स आर एब्सोल्युटली ऑसम। और भाभी के साथ भी हम भेजेंगे ट्राई करने के लिए, आपकी फीडबैक का हम इंतजार करेंगे, लेकिन ऑडियंस को थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। तो ऑडियंस क्या सवाल पूछना चाहेगी, कौन पूछेगा पहला सवाल? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शीजा। मैं अच्छा एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मेथी दाना क्या निहारमुख खा सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? अच्छा मेथी दाना के जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो आप सुबह निहारमुख खाकर ही ले सकते हैं, चाहे वो आपने अपना वेट लॉस करना हो। मेथी दाना वो है ना जो ऑरेंजिश से छोटे-छोटे येलो से कलर का आता है और इतना छोटा छोटा आते हैं, ठीक है, हाँ उसको हम मेथी दाना बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अब आप देख रही होंगी कि प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, जितने वेट लॉस के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर मेथी दाना आपको लाजमी तौर पर मिलेगा। आपके हॉर्मोन्स का अगर इश्यू चल रहा है तो उसमें भी जो भी आपकी मेडिकेशन होगी उसके साथ आपका डाइटिशियन या आपका न्यूट्रिशनिस्ट होगा वो आपको ज़रूर रिकमेंड करेगा कि सीड साइक्लिंग के साथ मेथी दाना ज़रूर इनकॉर्पोरेट। आप लोगों ने कभी यूज़ किया मेथी दाना? वैसे मैं यूज़ करती हूँ, मुझे भी हॉर्मोनल कुछ इश्यूज़ है तो मुझे किसी ने कहा था, ये जो हम रील्स देखते हैं ना ढेर सारे और उसमें नेचुरलिस्ट जो बता रहे होते हैं यूजुअली पीसीओएस में रेकमेंड करते हैं, जीरा और अजवाइन और इन सब का ना एक कावा बना के अगर आप। अच्छा आप भी करती हैं? जी आई थॉट ही वाज द टोटका किंग, आई डिडंट रियलाइज। नहीं इट स्टार्टेड फ्रॉम मी एक्चुअली, इट स्टार्टेड फ्रॉम यू और स्पीड उन्होंने पकड़ ली। मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स में जो स्मेल होती है आई गेस नहीं होती है, अच्छी होती है, मगर मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। मैं और मेरा बेटा हम फ्रेश दूध नहीं पी सकते, तो सारा दूध जो है हम कहते हैं आप ही जो है। तो अच्छा, ये तो होता बेटे है। की आदतें ज्यादा आपसे मिलती हैं खाने के मामले में, जितनी बुरी आदतें मुझसे मिलती हैं सारी जितनी अच्छी आदतें वो बेगम से मिलती हैं। तो बिल्कुल सही कहा है ना आपने, आई एग्री विद यू। अच्छा आपको क्या, व्हाई डू यू थिंक आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू टुडे? आई टेल यू वन थिंग आगा, यू आर माय बडी एंड आई एम सेइंग दिस ऑन एयर, I will support you in front of the whole universe. ये मैं आपको on air कह रही हूँ। ये चीज़ है, लेकिन उधर, लेकिन उधर, sorry. मेरी वैसे हमारी army बहुत strong है, बहुत ज़्यादा strong है। यही तो बातें हैं आपकी जो हमें पसंद हैं। So अब बढ़ते हैं हम अपनी next सवाल की तरफ। हमारी जो young lady ने सवाल पूछा उनको please विंसे की तरफ से gift hamper दे दे बेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन किसने पूछना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है और मेरा सवाल ये है कि मेथी दाने का इस्तेमाल गुर्दों के लिए नुकसानदेह तो नहीं? इंटरेस्टिंग। अच्छा गुर्दों के लिए मेथी दाना बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, ऑनलाइन ये न्यूज चली थी एक जमाने में कि मेथी दाना इफेक्ट्स योर, अनटिल एंड अनलेस आप उसको एक सेफ डोजेज में यूज कर रहे हो तो।
अगर आप एक्सीड करोगे, चम्मच भर भर के खाओगे, अब जैसे चम्मच भर के खाई है, ये क्यों, ये इस तरह बात क्यों हो रही है? मुझे पता है ना, चम्मच भर के खाने वाले मेरे साथ मौजूद है। किसी ने एक दफा कह दिया कलौंजी, मैंने पढ़ लिया ना कि कलौंजी में हर, सुना था कि कलौंजी, गुरु पाक ने कहा कि कलौंजी में हर चीज का इलाज है मौत के अलावा, राइट? तो मैंने सोचा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है। मैंने सुबह एक पूरा का पूरा ना टीस्पून खाना शुरू कर दिया। टीस्पून बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल, और वो मैं खाऊं और फिर मैं पानी निकलूं और वो गले से ही ना उतरे, क्योंकि ऑब्वियस छोटे-छोटे दाने। कोई डेढ़ दो ग्लास पानी पिया और ये मैंने काफी दिन किया, मेरा पेट ही उड़ गया। मैंने कहा ये तो शायद मैं मौत के करीब जा रही हूँ, दूर नहीं जा रही। तो फिर पता चला कि उसमें सिर्फ 6-7 दाने। जुगन मैं एक चीज बताऊं, मैं आपके लिए भी बताऊं, जो भी मैन मेड चीज है ना वो नुकसानदेह है, जो गॉड मेड चीज है आपको फायदा देगी। बस ये एक फॉर्मूला है अपनी जिंदगी को गुजारने का, खाने पीने का। याद रखना अल्फाज में जो पैकेट में बंद चीज है वो जहर है, जो खुली हुई है ठीक नहीं। देखो मैन मेड तो फिर जैसे बकरे का गोश्त भी है, तो अब नहीं बकरे का गोश्त मैन मेड, मैंने मैन मेड कह रही हूँ, मतलब अब अल्लाह ने बकरे को गोश्त बनाया, बट आपने जब उसको बनाना है और पकाना है तो उसमें नमक काली मिर्च ये चीजें तो डालनी है, तो ये सारी चीजें कहां से आई हैं? नहीं वो मैन्युफैक्चर तो होती है, प्रोसेस्ड फूड की बात कर रहे हैं, प्रोसेस्ड वही वाली की बात कर रहे हैं, यानी कि पंसारी से दोस्ती कर लें और कोल्लू वाले से दोस्ती कर लें। इंसान बनाता है ना, ठीक है ना, चाहे उसमें ड्रिंक्स हो गई, उसमें आपके डिफरेंट फूड्स हो गए, ठीक है ना, फ्रोजन फ्रूट्स हो गए आपके, वो सारे नुकसानदेह है। जो खुदा की तरफ से आपको मिला हुआ है ना चीज़, नेचुरल फॉर्म, यस, उसमें फायदा है, लेकिन मियाना रवि के साथ। ये नहीं कि एक दिन है कि आप सारा अभी खा जाओ, तुम्हारी तरह जैसे कलौंजी खा जाओ, ऐसा नहीं। एक मतलब सोचिए, इतनी बड़ी चाय की चमची, मुझे आज भी आता है एक यहाँ घुसा हुआ है पीस, एक यहाँ पूरा, और मुस्कुराओ तो दांत के अंदर सारे नुकते नुकते। अच्छा मेरा हमजा मुझे कहे, दिस इज अबाउट 6-7 इयर्स अगो, हमजा मुझे कहे, व्हाट इज रॉन्ग विद योर टीथ मामा, डिडंट यू ब्रश देम? मैंने कहा बेटा आई हैड कलौंजी, इट्स सपोज्ड टू बी वेरी गुड फॉर यू। बाद में जब पता चला तो कुछ 2 हफ्ते बाद आके कहता है यू आर नॉट हैविंग दोज लिटिल लिटिल ब्लैक सीड्स। मैंने कहा बेटा मामा वॉज हैविंग टू मैनी, नाउ मामा हैज टू रीस्टार्ट अगेन आफ्टर 1 month, बिकॉज ऑब्वियसली उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, अब आपने उनको जीरो करना है। लेने वही वाली बात है ना, 7 दाने की जगह अगर आप 70,000 दाने ले लेंगे तो बेड़ा गर्क होगा। तो गुर्दों के लिए नुकसानदेह नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, हम पहुंचाएंगे अपनी प्यारी सी बेटी के लिए एक विंसे का गिफ्ट हैम्पर, और इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे हम बहार रमजान के साथ। मिस्टर श्रॉफ, हाँ जी, आपके ऊपर एक इल्जाम है, वैसे तो बहुत है, लेकिन जो रिसेंट इल्जाम है आप पे वो ये है कि आपने एक्टिंग शैक्टिंग सब छोड़ दिए और अब आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। एक्टिंग छोड़ी नहीं है, नहीं, बट ये रूमर घूमा था ना, तो क्लियर करें। हाँ, कम कर दी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा था, मेरे फादर ने एक बात बोली जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोली थी कि बेटा 3 काम करना, ठीक है, खाने का, कपड़े का या ज़मीन का, ये तीनों खुदा की तरफ से तोहफा हैं, इस पर कभी बदनीयती नहीं करना, ठीक है। जब आप नीयत आपकी साफ होगी ना तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली इसमें आपको बरकत डालेगा। तो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह माशाल्लाह से सुल्तान्स हमारी कंपनी का नाम है। अच्छा, वाई सुल्तान, अब पता नहीं मैं हर चीज पे सवाल करूंगी, वाई सुल्तान? सुल्तान्स इसलिए कि सुल्तान नाम ही एक ऐसा है शहंशाहों वाला, कि जब आप उसको पढ़ते हो या देखते हो सुल्तान लिखा हुआ, थोड़ी देर बंदा उसको देखे तो सुल्तान, वो अपनी मेमोरी में कुछ ना कुछ याद कर रहा सुल्तान के नाम से, इस वजह से हमने उसका नाम सुल्तान रखा। होता क्या है कि 70-80% ट्रस्ट लेवल उस बंदे का बढ़ जाता है कि यार ये बंदा मुझे धोखा नहीं देगा, ना मैंने हराम कमाना है और ना मैंने हराम घर लेके जाना, मैंने अपने रब को नाराज नहीं करना। और जब आप अपने रब को नाराज नहीं करोगे ना, अल्लाह ताला आपको ऐसे तोहफे तहाइफ देगा कि वो ता जिंदगी भर आपको याद है। लेकिन मेरी सहेली को कराची से आपने इस्लामाबाद शिफ्ट करा दिया, लेकिन खुश भी तो है ना, सारा अकाउंट नंबर, मेरे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे इसी के पास है। अच्छा ये बताएं, जब उन्होंने ये नॉट शिफ्ट किया बट ये एडिशन की अपनी जिंदगी,
क्या चेंज आए आपकी रिलेशनशिप में? बिकॉज पहले तो कॉन्स्टेंटली जैसे पैरों में पहिए लगे हुए थे, कभी इनकी पोस्ट आती थी आकाश राज की एक नुक्कर में पाकिस्तान के, फिर दूसरे में, फिर पाकिस्तान से भाए, फिर इस्लामाबाद, फिर कराची, फिर लाहौर, को समझ नहीं आती थी। अच्छा, आई हैव ऑलवेज बीन, मुझे है कि जो आपको खुशी मिले जिस काम में, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। मैं हमेशा इनको ये कहती हूँ, चाहे अगर इनको पिछले दिनों एक फिल्म की ऑफर हुई थी, स्क्रिप्ट इनको अच्छा नहीं लगा, रोल नहीं अच्छा लगा, गुड मनी, मगर ही डिडंट वांटेड टू डू इट। ऑब्वियसली सबका एक होता है, आपने घर भी चलाना होता है। ही सेड टू मी, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि भाई मूवी कर रहे हैं। ही सेड टू मी, मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरे टाइप का कैरेक्टर नहीं है। सो आई सेड टू हिम डोंट डू इट। और बहुत अच्छे लोग फिल्म कर, बहुत अच्छे, मत करे। अगर बाहर से आए पढ़ के लड़के, और मतलब कुछ हमारी नेबरिंग कंट्री के एक्टर्स हैं, हीरोज हैं, जिनके साथ उन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने कभी मेरे ड्रामे नहीं देखे थे, उनको किसी ने कहा था यार इस लड़के को देखो, उन्होंने जब देखे मेरी क्लिप्स देखे तो वो दे कॉल्ड मी, और मतलब। लेकिन आगा, आपके पास अब ये लग्जरी आ गई है ना, अब ये ऑप्शन आ गया exactly. कि मैं अब अपनी मर्जी का काम करूंगा। मजे की बात तो ये है ना, पहले yes. तो देखे बहुत से काम आगा आपने भी मीडिया में किए, मैंने भी ऐसे किए, एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स, ऐसी चीजें उठाई कि यार पैसा अच्छा है कर लेते हैं, बाद में सोचा यार बिला वजह अपने माथे पे ये वाला भी ठप्पा लगवा लिया कि ये वाला प्रोजेक्ट भी कर लिया। सो द पॉइंट इज, अपनी रोजी रोटी कहीं और से आ रही हो ना, तो एटलीस्ट बंदा ये सिक्योर होता है कि ठीक है आप अपना बाकी का काम प्योरली अपने शौक और पैशन के लिए कर सकते। इसको देखे, छोटी सी है, she's 24-25 years old and food technologist bhi hai, dietitian alada hai, nutritionist alada hai, ye teeno cheezon ki isne alada alada apni wo ki hai, but I'll ask you now Zainab, kya jahan pe ho wahan pe satisfied ho ya yahan se bhi kuch aage karna hai? Main alhamdulillah satisfied hu apni life se, har cheez jo mere paas hai main usme bahut khush, bahut comfortable hu। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको एक मौका मिले कि आप कुछ नई लर्निंग करो, कुछ नई चीज़ें सीखो और उनकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड करो, तो व्हाई नॉट। जब हमारे नबी ने ये बात कही है, इल्म सीखो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, तो व्हाई नॉट। और उस जमाने में चीन जाना बहुत मुश्किल काम था, अब तो लिटरली घास पे चढ़ते और आप पहुंच जाते। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ से आप पैसे भी कमा सकते हैं, किसी की रेपुटेशन भी खराब कर सकते हैं, किसी को ट्रोल भी कर सकते हैं। वॉट इज योर ओपिनियन अबाउट सोशल मीडिया? को सोशल मीडिया था जब हम छोटे थे, पर वो बेसिक फेसबुक लेवल की मामला थे। अब करोड़ तरीके आ गए। अच्छा, व्हाट आई बिलीव कि सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ये आपका अपना न्यूज़पेपर है, आपका अपना, जो दिल करे आप उस पर लगाओ, ठीक है। मसला ये होता है कि लोग कहते हैं ये क्यों लगाया, ये क्यों लगाया, ओ भाई ये मेरा पेज है, ये मेरा न्यूज़पेपर है, मेरी मर्जी में जो भी न्यूज़ लगाऊं। और उस डिफरेंट लोग आते हैं कि यार इस पे ये न्यूज़ लगा दे, हम उसके पैसे चार्ज करते हैं, जैसे कि डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में होता है कि डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, वो इसी तरह फेसबुक सोशल मीडिया भी न्यूज़पेपर है जिसके आप मालिक हो। अगर किसी को इस सोशल मीडिया की ताकत का आइडिया हो गया, वो लाखों करोड़ों कमा रहा है, जिसको नहीं है वो मेरी तरह है। नहीं, you understand it, पर देखिए पाकिस्तान में ये भी तो इशू है ना कि हमें सोशल मीडिया पे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो मोनेटाइज नहीं है, जो मोनेटाइज हैं भी वो इतने बेसिक लेवल पे मोनेटाइज हैं कि हाँ यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट वही चीज़ है ना कि बंदा रेगुलर रोजी रोटी के काम करे या अपनी टोटल एनर्जी उस पर डाल दे। अच्छा, पता है सोशल मीडिया में लोग गलत काम करके भी पैसा कमा रहे हैं, लोग अच्छा जो गलत कर रहे हैं उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको कम पैसा मिल रहा है। तो हम हलाल की रोजी रोटी कमा के खुश हैं। अच्छा, इससे सोशल मीडिया से मेरा जो बिजनेस है, ठीक है ना, वो बड़ा फ्लरिश हुआ है, माशाल्लाह, ठीक है, लोगों ने देखा, लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया। अच्छा, वो कहते हैं कि यार हम देखना चाहते हैं, मैंने कहा भाई आप आओ, आप पहले मेरे काम को देखो, जब आप सेटिस्फाई होते हो फिर आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो, नहीं होते मुझे दुआएं देके चले दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु
عجب دست عطا محمد غنی بن گئے ہیں غنی بن گئے ہیں گدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا یہی ہے یہی آرزو ہے تمنا یہی ہے یہی آرزو ہے ہمیں بھی مدینے ہمیں بھی مدینے بلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انداز خیرات ان کا تو دیکھو یہ انداز خیرات ان کا تو دیکھو غلاموں کو سلطا غلاموں کو سلطا بنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سر راہ اپنی میں آنکھیں بچھاؤں سر راہ اپنی میں آنکھیں بچھاؤں میرے گھر جو تشریف میرے گھر جو تشریف لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 جزاک اللہ ویورز بہت ہی معروف عابد رؤف قادری صاحب نے ابھی کلام پیش کیا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور بریک کے بعد نمودار ہوئی ہیں ڈاکٹر زینب گوندل جو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہر موقع پہ نمودار ہو جاتے ہیں اب تو ہمیں ان سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے لیکن ہلکا ہلکا کیونکہ ان کی بھی مسکراہٹ ہماری حسین بھابھی کی طرح اتنی پیاری ہے بلکہ میں اشارے کر کے بھی زینب کو کہہ رہی تھی بھابھی کو چیک کرو خوبصورت چہرہ ہے ان کا ہم دیکھ رہے تھے انہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہم دونوں نے تو کچھ عجیب سا ماجرا ہوا ان بٹوین آلسو نو ویری فیو پیپل آر نیچرلی بیوٹیفل ماشاء اللہ میک اپ کا کمال ہے اور آپ کے بہن میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں کھینچ رہی تھی میں نے دیکھ لی میں بڑے غور سے چیک کرتا ہوں آپ چلے آپ سے آپ کو ہم کال کر دیں گے جب ان کو پک کروانا ہو میں آڈینس کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہوں میں آپ لوگ سے آگے باتیں کرتا ہوں آپ جائیں نا آپ گھر جائیں ٹھیک ہے نہیں آپ کو کیا لگا تھا آپ یہ کہیں گے تو میں کہوں میں نے جس سے بات کرنی ہے وہ تو آ گیا آپ تو بہانہ تھے دیکھا میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا کہ جب بیگمات آتی ہے نا تو شوہروں کو خاموش بیگمات نہیں نہیں سب کی
बेगमात कोई बात बतानी है तो मैं बता दे ताकि हम ऑन एयर ही फिर प्रॉपर रेटिंग वाला काम करें। नहीं नहीं एक ही अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह रहेगी भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। हम है ना एंडोर्स करने के लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मुस्कुरा रही आराम से बैठ के। बट खैर ऑन अ सीरियस नोट, ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और पता नहीं क्यों आज मेथी दाने की बात करना चाह रही हैं। मेथी दाने का नाम होता है फेनुग्रीक सीड्स, वही जो आपने हाँ। कहा जिसका नाम नहीं हमसे लिया जा रहा, उसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये एक इतनी जबरदस्त चीज है ना, अगर मैं बालों से शुरू करना चाहूंगी, आपको पता है तो हर चीज बालों है, न्यूट्रिशनिस्ट बता बालों के टोटके, हर बार बालों का और स्किन का टोटका बताती है। क्योंकि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, जब आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, क्लाइंट आता है, तो वो आकर यही बात कहता है, मैं वेट लॉस तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे बाल और मेरी स्किन खराब नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड आगा, असल बाल है हाँ जी सारे, यस बीच में कोई ये मेथी दाना लगाते हुए बहुत कम हुए हैं, लाइक एटलीस्ट 20%। जब से हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए ना तो बाल गिर रहे हैं। इस्लामाबाद का मौसम ही शिफ्ट है, पसंद मतलब बाल। माशाल्लाह इतने ताकतवर बाल हैं कि मैं बकरे उठा लेता हूं ऐसे बालों से। अब ये हम करें अगली बार जब जब ईद ट्रांसमिशन आएगी तो फिर अगली ईद ई ट्रांसमिशन पे दिखाऊंगा मैं आपको करता हूं। मीठी ईद है वरना मसला पड़ जाना था, बकरे रेंज करने पड़ जाते। नहीं बट ये अल्हम्दुलिल्लाह यार अल्लाह का शुक्र, कितना को साड़ा चढ़ता है आपके को आर्टिस्ट को इस बात पे, बहुत कितना को सड़ते हैं। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी लेकिन आप समझ गए होंगे, जो जो विग वाले हीरो है ना वो बड़े जलते हैं। भाई आपके बाल नहीं पुटे गए दूसरों अच्छा नहीं मैं शायद मे भी आप इस चीज को सेकंड करेंगे, ये आपके जीन्स में भी होता है ठीक है, आपके इस किस्म के माशाल्लाह माशाल्लाह। सॉरी एक चीज की आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगी, हम चारों में सबसे अच्छे बाल exactly. हम तीन के मिला के उनके एक बनेंगे और अभी कम हुए हैं। अच्छा मेरे फादर के जो बाल है ना, अगर आप देखेंगे ना आप यकीन नहीं करेंगे, माशाल्लाह इज 70 प्लस माशाल्लाह, और इतने घने बाल और उनकी जो एज के लोग बाल देख के शादी की थी। हाँ मैं कभी कभी सोचती हूँ शुक्र है मेरा मियाँ गंजा नहीं है, सीरियसली सोच बैठो। क्योंकि बालों की बात हुई तो मेरी भी नजर वहाँ गई और जैनब की भी गई, मैंने कहा मैं सोच नहीं सकती अदरवाइज यू नो। नहीं वैसे वो हो जाता है प्रॉब्लमेटिक ना बंदे की शादी, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जब बाल गिर जाते हैं तो अब वो एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है लेकिन फिर वो शक्ल बहुत बदल जाती है। क्या एक तो डाइट मेरी बड़ी खतरनाक है ठीक है ना, मैं इस चीज को बड़ा खजूर शहद लौंग इलायची आपका देसी घी कब से काफी अरसे मेरा जो नाश्ते में शहद ऑलिव ऑयल लौंग इलायची देसी दूध घी कलौंजी देसी दूध यस एज इन पहाड़ी बकरे का जो दूध होता है, मैं बकरी और बकरे गाय की दूध की बात, जो पहाड़ी बकरे का दूध होता है वो मैं यूज़ बकरा कर। कौन सा दूध देता है बकरी पहाड़ी बकरी जो तालियां बजा दे इन्होंने लूज बॉल कराई है, और आप तो क्रिकेटर है आपको पता होना चाहिए जो दुम्बी का जो दूध होता है वो मैं यूज करता हूँ बहुत। अब ये कहाँ से सोर्स किया जाता है, इन्होंने ढूंढ लिया एक बंदा जो ये देखो मैं एक चीज बताऊँ, इंसान को जिस चीज की जस्तुजू होती है ना उसको एक दिन वो मिल जाती है, और ये इतना ताकत ये हर जगह दूध नहीं मिलता, ये एक बंदा मुझे मिला मेरा फैन ठीक है फेसबुक से मुझे ढूंढा, उसका अपना फार्म है इन इस्लामाबाद, तो वो तकरीबन 30 या 40 किलोमीटर है मेरे घर से उसका, वो खास तौर पे हर हफ्ते मुझे देने आता है और फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे नहीं लेता मुझसे, पता नहीं कहता आगा भाई मैं आपका फ़ैन हूँ, ये दूध बड़ा महंगा मिलता है ये हर जगह आम दस्तियाब नहीं है, ये मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और मैं फ्रीज कर देती हूँ वीक का क्योंकि वो आता एक ही दफ़ा आ सकता है। इनकी स्किन भी इसीलिए हाँ। इतनी अच्छी है क्योंकि बकरी का दूध जो है दैट इज फैट फ्री, जब आपकी बॉडी में दैट इज द सेम वही ना बकरा वो हाँ। मतलब एक ही वो मतलब फैमिली के खानदान एक तो इट हैज अमेजिंग प्रॉपर्टीज आई अंडरस्टैंड दैट इट हैज अमेजिंग प्रॉपर्टीज की बहुत हर चीज जिंदगी में औखी करनी क्यों जरूरी है। किचन में एक नजर डाल देते हैं क्योंकि हस्बे मामूल व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं मेरी एक ही कोशिश होती है कि किचन में जाएं अपनी शेफ से सलाम दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं?
इसका जवाब दूंगी हाथ धोने के बाद, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमेशा एक ही बात करते हैं अपने प्रोग्राम में कि सफाई निस्फ ईमान है, तो ये मामला शुरू होता है अपने हाथ साफ करने से। वुजू तो हम दिन में 5 दफ़ा करते ही हैं, लेकिन अपने हाथों को साफ सुथरा रखना बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो डेटॉल्स, स्किन केयर, दे पिंपल्स फैलाने वाले जर्म से हमें हिफाजत, और इसमें एडेड मॉइस्चराइजर्स जो हैं वो हमारी स्किन को भी सॉफ्ट रखते हैं, और उसके साथ साथ इसकी महकती हुई खुशबू बड़ी खुशगवार है। ब्यूटीफुल स्किन, और वो भी जर्म फ्री स्किन। सो आप भी ज़रूर अपने किचन के सिंक पे, बाथरूम में, पाउडर रूम में, हर जगह डेटॉल स्किन केयर, डेटॉल हैंड वॉश का इस्तेमाल करें, ताकि आप भी एक नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी ज़िंदगी गुजार सकें। आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? जी, आज किचन में बन रही है बटर चिकन बना रहे हैं, और साथ में जो डिज़र्ट है हमारा वो चॉकलेट कैरमल पार्फे बनाएंगे, और ड्रिंक हमारा बनेगा आज ब्लू लगून ड्रिंक बना रहे हैं। और रेस्टोरेंट्स में बड़ी दफ़ा इसका नाम सुना है, बड़ी यूनिक सी और इंटरेस्टिंग सी ड्रिंक होती है। जी, तो आज हम ये बना रहे हैं। ऑसम, तो ऐसा करते हैं कि हम रेसिपीज की तरफ थोड़ी देर बाद आएंगे। और जब हम बाहर की बात करते हैं तो मेरे जहन में तो बाहर का कॉन्सेप्ट कलर से होता है, और जब कलर्स की बात करते हैं तो कर्शी का जामे शिरी, ये लाल रंग जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं और इन्जॉय करते आ रहे हैं, एंड देन शरबत इलायची जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और अक्सर लोग मुझे कहते हैं तुम ऑब्सेस्ड हो, एक तुम्हें कलर बड़ा पसंद है और जायका भी बहुत मज़े का है। इट्स जेन्युइनली अ वेरी वेरी डिलिशियस ड्रिंक, पर्सनल एक मेरी अगर चॉइस पूछे तो, क्योंकि जामे शिरी तो एक अंडरस्टूड चीज़ है ना, वो तो दस्तरखान पे आनी ही आनी है, और इतने चटपटे और मज़ेदार खाने खाते हैं, शरबत जामे शिरी कर्शी का अगर हमारे साथ हो तो खाने पीने का मज़ा दुबाला हो जाता है। और ऑफकोर्स हम जो भी कुकिंग और जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो कश्मीर वनस्पति कुकिंग ऑयल में कर रहे हैं, तो आप भी ज़रूर इसका इंतखाब कीजिएगा। अभी मैंने जरा चिकन की रेसिपी आपसे लेनी है, लेकिन उससे पहले एक हमने वेरिएशन क्रिएट की है ब्लू लगून के अंदर, ज़रा बताइए। ब्लू लगून ये सिरप है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है, और साथ अभी सोडा वाटर ऐड कर रहे हैं। इसमें हम लोग कर्शी का शरबत इलायची एक वेरिएशन के तौर पे ऐड कर रहे हैं, ये आप डालेंगे। अच्छा, होगा ये कि ये हमने शरबत इलायची ऐड कर दिया, कलर उसका इनहेंस हो गया, आप देखें कलर उसका इनहेंस हो गया। नो नो, बट लुक एट, नीचे देखें ना, जबरदस्त होता ना, एक्सपेरिमेंट से बचपन में मारते थे, मामा मामा देखे ना क्या हो गया, कलर्स चेंज हो गए। सो इट्स एक्चुअली अ वेरी फन वेरिएशन, देयर यू गो, नीचे शरबत इलायची, ऊपर ब्लू लगून, एंड देन वी पुट सोडा वाटर, एंड बाय द वे प्लेन सोडा वाटर, मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बात नहीं कर रही, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक डालेंगे तो वो इतना मीठा हो जाएगा, होता ना कि दिल मीठा हो जाता है, वो नहीं करना। आपके मामलात क्या चल रहे हैं? जी, खाना बस ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है, हम लोग बना रहे हैं जो बटर चिकन, इसकी मैं आपको एक रेसिपी ब्रीफ कर देती हूँ। इसके लिए चिकन को हमने मैरिनेट कर लेना है योगर्ट बेस लेके, योगर्ट में हमने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली, और हमने इसको मैरिनेशन देके देन हमने इसको ओवरनाइट रख दिया तो बेहतर है। दूसरी तरफ हमने जो थोड़े से ले लेने हैं अनियन, सौते कर लिए, एंड देन उसके अंदर कश्मीर कुकिंग ऑयल वनस्पति में, बिल्कुल हमने उसको सौते कर लिया, और साथ में हमने फिर उसको ब्लेंड कर लिया। दूसरी तरफ हमने टोमेटो पेस्ट ले लेना है, वो ऐड करेंगे, तो ये हमारी जो पेस्ट है वो सेपरेट रेडी हो जाएगी। दूसरी तरफ हम चिकन को कश्मीर कुकिंग ऑयल में अच्छे से कुक कर लेंगे, जब 80% कुक हो जाएगा देन हम जो पेस्ट है वो उसमें ऐड कर देंगे, और लास्ट में हम लोग इसमें क्रीम और बटर डाल के देन सर्व करेंगे। बटर चिकन एब्सोल्युटली लवली, और हमेशा एक ही बात करते हैं कि पिछले 60 साल से कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति हमारे मज़ेदार मोमेंट्स का हिस्सा बन रहा है, और अल्लाह करे इसी तरह बनता रहे। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बहारे रमज़ान, और क्या जेन्युइनली मीठी जोड़ी थी ब्रेक से पहले, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको करोड़ कामयाबियों से नवाजे, आमीन। व्यूअर्स, रोज़ा खुलने का वक्त जब करीब आ जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग कप चाय की हर किसी को ज़रूरत होती है। आजकल हर जगह वही पुराने प्राइजेस देख रहे हैं, पुराने गिफ्ट्स देख रहे हैं, लेकिन लिप्टन लेके आया है कुछ खास, हमेशा की तरह लेके आए हैं जार ऑफ जॉय स्पेशल एडिशन, ड्यूअल पर्पस, एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड
आई मीन अ ग्रेट एडिशन टू योर किचन एंड वो जो कहते हैं ना हर तरीके से एक यूज़फुल चीज़। और अब क्योंकि इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है तो हम थोड़ा सा अपनी फ्राइंग की तरफ आएंगे। वी आर यूजिंग कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति फ्राइंग के लिए एंड हम आज बना रहे हैं अपने टीम के लिए अपने क्रू के लिए सब्रोसो के चिकन समोसे। इनके प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग। आई ऑलवेज से दिस एंड आई डोंट जस्ट से दिस बिकॉज दे आर आर स्पॉन्सर्स। मेरे स्पॉन्सर ना भी होते मैं फिर भी इनकी तारीफ करती बिकॉज साफ़ सुथरे अंदाज में हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड। एंड अगर आप फ्राइंग की तरफ नहीं जाना चाहते तो उसका अल्टरनेटिव भी आपको दिया हुआ है और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ। एंड सबसे अच्छी बात ये देखिए समोसे हम किसी भी ब्रांड्स के लेते हैं तो वो चिपके हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। ये देखें ये बिल्कुल अलहदा अलहदा हैं एंड दे आर फ्रोजन। तो होता है कि आप खरीदते हो आप पैकेट घर लेके आते हो जब आप थैला खोलते हो तो वो सारे चिपके हुए होते हैं बर्बाद होते हैं। लेकिन सब्रोसो के प्रोडक्ट्स में ऐसा कोई भी इशू नहीं है। तो व्हाइल आई एम फ्राइंग दीज ज़रा हमें डिज़र्ट के बारे में भी बताइएगा और वंस आई एम डन फ्राइंग तो हम इनको डिश आउट करेंगे जूप के ऊपर जी। बिकॉज जूप एक ऐसा ब्रांड है जो एक्स्ट्रा जो एक्सेस जो ऑयल होता है हमारी किसी भी फ्राइंग के अंदर। देखिए जब हम डीप फ्राई करते हैं कोई भी चीज़ कितने भी अच्छी तेल में करें हमें ये होता है कि थोड़ा सा हम कैलोरी काउंट उसका कम करते हैं। सो कैलोरी काउंट कम करने के लिए आप जूप का इस्तेमाल करें। और बाय द वे सिर्फ खाने के लिए नहीं सर्फेसिस को क्लीन करने के लिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ एन एब्सोल्युटली फिनोमिनल ब्रांड। डिज़र्ट जी डिज़र्ट ये कुछ लोटस नुमा चीज़ लग रही है जी। मैं आपको बता देती हूँ ये हमने बनाए हैं चॉकलेट कैरमल पार्फे। इसके लिए जो इसकी बेस आप देख सकते हैं ये कैरमल पुडिंग है। ये हमने बना ली थी इसको हमने बेस पे लगा दिया था। देन इसमें चॉकलेट चिप कुकीज़ कोई भी आप ले लें हमने उनका क्रम्ब इसमें ऐड किया है उसकी लेयर्स डाली हैं और विप क्रीम है वो एक लेयर लगा दी एंड देन फिर उसके बाद चॉकलेट गनाश हमने ले ली है और उसके साथ हमने इसको लेयरिंग करके अच्छे से चिल होने के लिए रख दिया था। अब ये बिल्कुल ठंडा और बिल्कुल सेट होके आपके सामने है। ऑसम लुकिंग गुड। और ये जो हमने ब्लू लगून बनाया जी मैं अगेन आपको कहूंगी व्यूअर्स के देखें अभी भी हमारे ब्लू लगून की लेयरिंग उसी तरह बनकर आ रहे हैं। तो आप ये पहले भी बना के नीचे आपने शरबत इलायची डाल दिया ब्लू लगून कर दिया और आपने इसको फ्रिज में बना के रख भी दिया तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन ये फिर जग में इस तरह नहीं आप रख सकते इसके लिए आपको ग्लासेस में इस तरह करना पड़ेगा। और आई सीन के आपने डिजर्ट के भी सेपरेट पोर्शंस बनाए वो इंडिविजुअल पोर्शंस हैं और ये पूरी फैमिली के लिए टीम के लिए। अच्छा बटर चिकन जो मैंने कनाडा और अमेरिका वगैरह में ट्राई किया है अच्छा उस एंड पे इवन इंग्लैंड में बटर चिकन का कलर लाल होता है जैसे तंदूरी कलर वाला वो बोला एक आ जाता वहाँ पे आई थिंक वो एक्चुअली डालते हैं जी वो कलर उसमें एक्चुअली थोड़ा सा ऐड करते हैं मगर ये हमारे यहाँ देसी में हम लोग क्योंकि नॉर्मल हमारी हांडी नॉर्मली रेड होती है उसमें थोड़ा सा तंदूरी फ्लेवर होता है तो जब हम बटर चिकन बनाते हैं तो इसकी बेस हम लोग थोड़ी सी वाइट में रखते हैं क्योंकि हम इसमें क्रीम ऐड करते हैं और बाद में फिर हम इसको बटर से इसको एंड पे हम लोग जब सीजन करते हैं तो हम लोग इसमें वो रेड और जो रेड चिली है वो भी कम रखते हैं। ग्रीन चिली से हम लोग इसका पेस्ट बना के इसको मैरिनेट भी उसी से करते हैं और या फिर ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं ताकि इसका बिल्कुल वो रेड वाला ना आए। तो ये इसलिए हमने पहले इसकी मैरिनेशन सेपरेट की थी एंड देन फिर हमने जो इसको अलग से आपको बताया टोमेटो सॉस में हमने इसको सौते करके वो हमने इसके अंदर ऐड करके और इसको बिल्कुल हल्की आंच में आप बनाएंगे तो ये एंड देन ऊपर इस पर आपने कसूरी मेथी डालनी। मेरी बचपन की मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्त दुनिया अमरानी जब आई कैनेडा से मोरक्कन है तो वो आई हुई थी पाकिस्तान उनकी बहन भी आई हुई है यहाँ पर तो वो यही मुझे कहती है ना कि पाकिस्तानी पहले पाकिस्तानी जिससे टाकरा हुआ वो मेरे से हुआ कनाडा में यूनिवर्सिटी में मैं 17 साल की थी वो 18 की थी तब से अब तक दोस्ती। और मैंने कहा एंड में कोई ना कोई तुम्हारे खानदान वाले की शादी हो गई यानी कि तुम्हें पाकिस्तान आना पड़ता है तो मुझे हमेशा कहती थी कि पाकिस्तान में बटर चिकन इज डिफरेंट फ्रॉम बटर चिकन जो हम कनाडा वगैरह में खाते हैं। इसी वजह से कि हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं उसको और वहाँ पे हम लोगों को रेड वाला नहीं मिल रहा होता तो देन हम वहाँ पे तंदूरी वाला फ्लेवर ऐड कर देते हैं। बिल्कुल यही बात है सर। सो मैं अपने कामों में मसरूफ हूं आप अपने कामों में मसरूफ हैं और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अब लाहौर और इस्लामाबाद में अजान मगरिब का वक्त हुआ जा रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि हम ब्रेक की तरफ चलते हैं अजान के बाद वापस आएंगे एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हमने कराची के टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं तो हम बच्चों की रोज़ा कुशाई और उसके मामला इफ्तारी को तैयार करेंगे। आपकी तो सारी डिशेस तैयार हैं हमारी अभी फ्राइंग बाकी है। सो वाइल वी आर फ्राइंग दीज एब्सोल्युटली यमी सब्रोसो के समोसे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب العالمین تیرا بے بہا فضل تیرا کرم ہے کہ آج کے روزے کی برکات سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی ہماری جانب سے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے اور یا رب العالمین اس روزے کے درمیان میں ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں پروردگار اپنے کریم ہونے کے صدقے درگزر فرما دینا یا رب العالمین پروردگار عالم ہمارے والدین پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمانا جن کے والدین اس دار فانی سے جا چکے ہیں پروردگار ان کو غریق رحمت فرما اپنے فضل کے سائے میں رکھ اور جن کے والدین حیات ہیں رب العالمین ان کے والدین کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی والدین کی رضا کے ذریعے سے پروردگار تیری رضا تک پہنچ سکے یا رب العالمین ہمیں تمام تر اخلاقی بیماریوں غیبت جھوٹ حسد کینہ پروری جیسی بد اخلاقیوں سے محفوظ رکھنا اور ہمیں اپنی مخلوق کے لیے نفع بخش بنا دینا یا رب العالمین ملک پاکستان افواج پاکستان کی خیر فرمانا اور تمام مسلم ممالک میں اتفاق و اتحاد پیدا فرماتے ہوئے اسلام کا بول بالا فرمانا آمین بجاہ النبی الامین